मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महानगर में किसी भी दशा में जलभराव न होने पाए, समय रहते इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब यदि बरसात शुरू होने पर कहीं भी जलभराव के चलते नागरिकों को परेशानी हुई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम योगी सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों से नागरिकों को बचाना शासन प्रशासन का दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बरसात में किसी भी नागरिक को जलभराव आदि की समस्याओं से परेशान न होना पड़े। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उन्हें बताया कि जलभराव से मुक्ति के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए गए हैं। सभी नालों की तल्ली झार का कार्य सफाई निरंतर जारी है। इसके साथ ही पंपिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने के साथ आवश्यकता अनुसार उनकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पैडलीगंज से फिराक गोरखपुरी चौराहा तक सड़क को फोर लेन बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि फोर लेन स्मार्ट रोड बनाने के लिए 393 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नौकायन से देवरिया बाईपास रोड को फोर लेन बनाने के प्रस्ताव के विषय में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ रोड की ओर एक और ओवरब्रिज बनाने का निर्देश दिया। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार किया जाए। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने निर्देशित किया कि शहर हो या गाँव, हर जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना नागरिकों के लिए लाभकारी है, इसे लेकर उन्हें जागरूक कर उन्हें बकायेदारी से मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने एकमुश्त समाधान योजना में अब तक हुई प्रगति की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय योग दिवस मनाने लगा है। योग दिवस पर आयोजन भव्य होना चाहिए। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल में क्रूज चलाने को लेकर भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह द्वारा बताया गया कि नीलामी फाइनल हो गई है, ऑस्ट्रेलिया से क्रूज आएगा, करीब 3 से 4 महीने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रूज संचालित होने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बैठक के दौरान रामगढ़ ताल से गाद निकालने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री को बताया गया कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को 350 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस मामले में NMCG से बात की जाए, शासन स्तर से भी इसके लिए प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ योजना के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। DIG जे रविंद्र गौड़ एवं SSP विपिन ताडा ने बताया कि इस पर नजर रखी जा रही है, पीपीगंज में की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस योजना के फायदे समझाएं। सीएम योगी ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल, आयुष विश्वविद्यालय आदि के प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूर्ण कराएं। मुख्यमंत्री ने वेटनरी कॉलेज के लिए जमीन की उपलब्धता के विषय में पूछा तो SDM सदर कुलदीप मीणा ने उन्हें चिन्हित की गई जमीन के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द जमीन फाइनल की जाए। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO इंद्रजीत सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।